अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन बाइक सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है, जिसके लिए कलेक्टर ने विधिवत आदेश जारी कर पेट्रोल टंकी संचालकों को निर्देश दिया है कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। साथ ही जगह जगह पुलिस के द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा है। हेलमेट अभियान को सफल बनाने के लिए सामाजिक संगठन भी सामने आ रहे हैं। ऐसी ही संस्था ऑल इंडिया सिक्स यार्ड के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि हमारी संस्था पुरानी धरोहरों को सहेजने के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्य कर रहा है। आइए सुनाते हैं आयोजकों ने क्या कहा है। जो साड़ी आज के जमाने में नए युग में बच्चे लोग नहीं पहनना चाह रहे हैं या नया जो जमाना आ रहा है, और दूसरा जो इसको बनाने वाले हैंडलूम साड़ी मेनली जो है जो हाथों से बनी हुई साड़ियां होती हैं उनको, अब तो वो बनाने वाले जो बुनकर हैं उनको प्रमोट करने के लिए और उनके परिवारों को सहायता देने के लिए कि उनके बारे में लोग जाने और उन साड़ियों के बारे में जाने जो हमारे पूरे जो एक तरीके से ये कहें कि हमारे देश का कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हैंडलूम जो हमारा देश में बनाया जाता था, जैसे दुनिया भर की साड़ियाँ अपनी बनारसी साड़ियाँ हैं हमारे एमपी में बनती हैं, ये अपने चंदेरी महेश्वरी ये सब जो एमपी में बनाते हैं बाघ प्रिंट ये सब हाथों से बनती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और उनको इसका पता ही नहीं होता कि इन साड़ियों को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और कितना, जब वो खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी बार्गेनिंग करते हैं और बहुत सारी बुनकरों से भी वो बहुत सारी बातचीत करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि इसके पीछे कितनी मेहनत है और एक पूरा परिवार नहीं मैं यूँ कहूँगी कि पूरी धागे का जो ताना बाना बनाते हैं हैंडलूम का उसी से उनकी पीढ़ियाँ चल रही हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इस विषय को लेकर इस ग्रुप का गठन किया रीवा में। ये हमारे सब को फाउंडर्स हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन सब ने हम सब ने मिलकर इसको गठित किया कि आगे आने वाले समय में हम लोग वीवर्स के लिए कोई एग्जीबिशन कोई उनको इस तरीके का प्लेटफॉर्म अपने माध्यम से प्रदान करेंगे कि वो अपनी चीज़ों को लोगों के बीच में ले आएं। और जब हमारे जैसे लोग जो एक वर्ग जिसका समाज में अपना एक ओहदा है और लोग जानते हैं, जब हम इन बातों को लोगों के बीच में रखेंगे तो तब शायद उनको ऐसा लगेगा, क्योंकि जब बाज़ार में दुकान में कोई कहता है कि ये साड़ी हैंडलूम है ये हाथ से बनी है और इसको बनाने वाला कौन है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको या हमको उसका भरोसा होता है। पर जब हम पहनते हैं उसको और पहनकर हम खुद को प्रेजेंट करते हैं और उसको बताते हैं कि ये साड़ी हमारी कहाँ की बनी हुई है, ये प्योर शिफॉन है, इसमें जो प्रिंट है वो हैंड प्रिंट है या इसको जो बनाया है वो हाथों से इसकी एम्ब्रॉयडरी की गई है, तो तब समझने वाला उसको अच्छे से समझता है और उसकी वैल्यू करता है। जब चेतना ने एक साल पहले इस ग्रुप की नींव रखने के लिए हम लोगों ने बात की सबने इकट्ठा, तो ये तो इस तरीके की बात आई ही कि जिस तरीके से साड़ी और बुनकरों को हम लोग सपोर्ट करेंगे, साथ में एक समाज का एक बड़ा तबका होता है महिला वर्ग, और महिला में महिलाओं की उद्यमिता और महिलाओं में कॉन्फिडेंस लाने के लिए एज वेल एज ट्रेडिशनल बेसिस जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनको भी तय करने के लिए कि साड़ी के साथ या भारतीयता के साथ हम अपने कैरियर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। साड़ी बाधा नहीं है, हर्डल नहीं है हमारे लिए, साड़ी हमारे परंपरा का एक अंग है और उसके साथ हम अनेक गतिविधियां कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जैसे डांडिया से लेके बहुत सारी चीजें हम लोग जो अरेंज करते हैं साल भर में, बहुत सारे कार्यक्रम अरेंज करते हैं, तो वो कार्यक्रमों के माध्यम से कि साड़ी पहन के ये काम भी किए जा सकते हैं, तैराकी भी की जा सकती है और बहुत सारी चीजें, मतलब जिन चीजों को आप ये मानते हैं कि साड़ी के साथ नहीं कर सकते हैं उन चीजों का भी हम लोग मिथ तोड़ना चाहते हैं ताकि समाज में हमारे पारंपरिक जो पोशाक है।